Now we will discuss the remaining part of the meat, chemical composition and nutrition value topic. The cooking meat, सबको पता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंज्यूमर की, या अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो फेमिलर होते हैं कि कौन सा कट है और कौन सा कुकिंग मेथड यूज होगा मीट को कुक करने के लिए. जो कुकिंग ऑफ मीट है वो सेटिस्फाई करती है अपेरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर की रिक्वायरमेंट को. इसके अलावा न्यूट्रिशन, सेफ्टी और कन्वीनियंस भी देती है. बेसिकली कुकिंग का पर्पज यही होता है कि वो इम्प्रूव करे अपेरेंस को, टेंडरनेस को और फ्लेवर को, और डिस्ट्रॉय करे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. टू बेटर श्योर सक्सेस इट इज क्रिटिकल टू नो द इफेक्ट ऑफ कुकिंग मीट ऑन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. जो अगर हम किसी भी मीट को कुक करते हैं, तो जो हीट करते हैं किसी भी प्रोटीन को या मीट को, तो जो अमाइनो एसिड चेन है वो अनकॉइल हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और कोगुलेट कर जाती है. ठीक है, वाटर रिलीज करता है, फैट मेल्ट कर, और जो मीट है वो टेंडर हो जाता है. ठीक है, When heat is applied, muscle fiber toughen and connective tissue become tender. These reactions are opposing effects and the method, time and temperature are is different. Collagen पे different effect होता है, fat पे different effect होता है, muscle protein पे different effect होता है cooking का. ठीक है, अगर हम बात करें muscle protein पे cooking का क्या effect होता है, तो muscle protein जो है वो locomotion के लिए use होती है और उसमें large number of myofibrils present होते हैं. अगर वो मसल जो बंडल जो फिजिकली लार्ज हो और लार्जर साइज के हो, तो उनका जो पार्ट है वो ज़्यादा होता है और वो शो करता है कि जो एनिमल है वो ओल्ड है. इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो 131 डिग्री फॉरनहाइट या 55 डिग्री सेल्सियस, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस है. जो मायोसिन है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे प्रेसिपिटेट करती है, और जो एक्टिन है वो 70 to 80. दस डी नेचर शॉर्टन एंड टफन एंड श्रिंक द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, कॉजिंग अ लॉस ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जब भी हम मीट को हीट करते हैं तो वो प्रोटीन डी नेचर होती है, मायोफिब्रिल शॉर्ट होते हैं, टफ होते हैं और श्रिंक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वो लॉस कर देते हैं अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाते हैं. द लॉन्गर द कुकिंग टाइम द मोर सीरियस दिस इफेक्ट विल बी, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री सेल्सियस टेंडरनेस में इंक्रीज. जो टेंडर कट्स हैं उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है और उनको शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए हाई टेम्परेचर पे. Such cooking minimizes coagulation and shrinking of muscle fiber and prevents loss of water holding capacity. Toughening of muscle fiber is minimized if tender cuts are cooked to rare. Rare होता है कि अगर मतलब जो completely cooked नहीं होता, तो जो connective tissue है या tender cuts हैं, उन्हें short time के लिए high temperature पे dry heat करनी चाहिए, ताकि जो कम से कम water loss हो, कम से कम shrinkage हो और कम से कम जो है वो coagulation हो. अगर हम टेंडर कट्स को रेयर कुक करेंगे तो उनमें जो है टफनिंग जो है मिनिमाइज होगी. अगर हम उनको वेल डन स्टेज तक लेके जाएंगे तो फिर वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लॉस हो जाएगी और वो टफ हो जाएगा. टेंडर मीट डेट इज ओवर कट टेंड टू बी ड्राई एंड टफ बिकॉज द प्रोटीन कोगुलेट, वाटर इज स्क्वीज आउट एंड मायोफिब्रिल टफन. Greater cooking intensity for a short time is advantageous for tender cuts of meat, and prolonged cooking is recommended for less tender cuts of meat. अगर tender part हम meat को cook कर रहे हैं तो हमें उसको shorter duration के लिए cook करना है high heat पे. अगर हम less tender cut को heat कर रहे हैं या cook कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा देर के लिए उसे cook करना है. Effect of cooking on collagen. When collagen, the major component of connective tissue, is heating, hydrogen bond and some heat sensitive cross links are broken.
एट टेम्परेचर बिटवीन 121 एंड 160 डिग्री फॉरेनहाइट और 50 टू 71 डिग्री सेल्सियस कनेक्टिव टिश्यू बिकम श्रिंक. सम ऑफ द टफ स्ट्रक्चर कोलेजन इज देन सोलुबलाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू जेलेटिन. अब कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, अगर हम उसको 50 टू 71 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो और भी लिंकेजेस हैं कोलेजन फाइबर्स हैं वो ब्रेक करना शुरू कर देंगे. ठीक है, और अब पहले सोलुबलाइज होंगे और फिर वो जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे. एज द कोलेजन फाइबर आर वीकेंड द मीट बिकम टेंडरर. यंग एनिमल कंटेन फ्यू क्रॉस लिंक इन कोलेजन दैट इज रेडिली कन्वर्टेड टू जेलेटिन एंड मीट टेंड टू बी टेंडर. और जो ओल्डर एनिमल्स हैं उनमें हार्ड होता है क्रॉस लिंक, तेजी ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसको जो है इजीली ब्रेक करना बाय कुकिंग पॉसिबल नहीं होता. तो ओल्डर एनिमल का जो मीट होता है वो टफ होता है अगर आप उन्हें मॉइस्ट हीट में भी कुक कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फैट. Fat melt throughout the meat while cooking and therefore produce a precipitation for tender udang. If a cut high in fat content or well marbled, it yields a more tender cooked meat. In leftover meat, fat oxidation contribute to flavor deterioration. Next is method of cooking. Dry heat method होते हैं और moist heat method होते हैं. Dry heat method वो होते हैं जिनमें आप मीट को अनकवर्ड रखते हैं, उनको सोटे करते हैं, स्टर फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, फ्राइंग पैन फ्राइंग रोस्टिंग करते हैं. और जो मीट के पार्ट ड्राई हीट मेथड्स में आते हैं वो है स्टेक्स चॉप्स ग्राउंड मीट एंड थिन कट्स. मॉइस्ट हीट मेथड वो होते हैं जिनमें आप स्लो कुकिंग करते हैं, किसी पॉट के अंदर करते हैं, कवर्ड करते हैं, जैसे चक फ्लैग और राउंड मीट. ठीक है, इसमें हमारे पास आती है ब्रेजिंग. ब्रेजिंग होता है कि जिसमें आप थोड़ा सा फ्राई करके फिर करते हैं. प्रेशर कुकिंग सिमिंग स्टीमिंग स्ट्यूइंग और यूजिंग अ लो कुकिंग पॉट टू सिम. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ मीट. हम मीट को प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस मीट वो होता है जिसको हम चेंज करते हैं बाय मैकेनिकल केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट altering the taste, appearance and keeping the quality of the product. If may be cured, smoked or cooked, उसके अंदर आते हैं हमारे पास sausages, bacon and ham. और low fat formulations में भी available होते हैं. ठीक है, तो जो United States है उन्होंने इसके लिए बहुत सी regulation बनाई है कि क्या चीज़ कितनी quantity में प्रोसेस मीट में जाएगी. इसमें सॉल्ट फॉस्फेट नाइट्रेट और नाइट्राइट ऐड किए जाते हैं ताकि बेनिफिशियल माइक्रोबियल कंट्रोल हो सके. इसके अलावा सप्लाई करते हैं फ्लेवर और टेक्सचर एंड प्रोटीन बाइंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड. प्रोसेस मीट में कंटेन अ रिडक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम और उसको रिप्लेस किया जाता है पोटाशियम से. बहुत सी रिसर्च हो रही है कि प्रोसेस मीट को जो है सोडियम को रिप्लेस किया जाए पोटाशियम को ताकि हाइपरटेंशन के पेशेंट को हाइपरटेंशन के इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके. इसके अलावा जो नाइट्राइट ऐड किया जाता है वो प्रिजर्व करता है कलर ऑफ मीट एंड कंट्रोल करता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम. ठीक है, उसके लिए एक हेल्थ कंसर्न था कि वो स्टमक इशूज कोज करता है बाय कंबाइनिंग विद अमाइंस जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन से रिलीज होते हैं बाय फॉर्मिंग नाइट्रोसामाइंस. इसके लिए जो है उनको वेल कट और वेल प्रॉपर जो स्टोर किया जाता है इन अ बैग ताकि वो लाइट से अवॉइड कर सके और ऑक्सीजन ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके और कलर चेंजेस ना हो जो क्योरिंग और मीट्स होते हैं. नेक्स्ट इज पोल्ट्री. पोल्ट्री जो है हमारे कंट्री में ज़्यादा कंज्यूम की जाती है और उसकी होलसेल की इंस्पेक्शन और उसको भी ग्रेड किया जाता है जिस तरह मीट को किया जाता है ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन फैट एंड फ्रीडम ऑफ ब्लेमिशेस एंड प्रॉपर बोन्स.
और जो पोल्ट्री है इसकी भी इंस्पेक्शन, लेबलिंग एंड हैंडलिंग की जाती है सिमिलर टू मीट। और प्राइमरी है पोल्ट्री कंज्यूमर चिकन, और इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ एज एंड कंडीशन ऑफ बर्ड। इसके अलावा जो पोल्ट्री में यूज होते हैं वो है टर्की, डक, गीस, चिड़िया एंड पिजन। हमारी कंट्री में बहुत रेयर यूज होते हैं ये चीज़ें। ये कुछ चिकन की न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं विद स्किन एंड विदाउट स्किन, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फिश। फिश जो है वो भी मेरीन फ्रेश वाटर सोर्सेज से हम पेश करते हैं। चोपर एंड फ्लेकियर होती है आइदर मैमल्स और पोल्ट्री। सेवरल थाउजेंड स्पीशीज ऑफ सी फूड अवेलेबल हैं जो कि करंट प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन एंड मार्केटिंग मेथड में और बेल्टर स्पीशीज जो है वो कंज्यूम की जाती हैं। ड्राइड बीन्स एंड लेग्यूम्स, लेग्यूम्स बीन्स पीज हमारी कंट्री में प्लांट सोर्स के तौर पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। नोटिसेबल चेंजेस अक्कर होती हैं जब हम कुकिंग करते हैं लिग्यूम्स की। सोफिन होती हैं, जेलेटिनाइज होती हैं ड्यू टू स्टार्च एंड फ्लेवर इम्पार्ट करती हैं। लेकिन ये इंटेस्टिनल गैस डिस्टेंस एंड सम गैस प्रोड्यूस करती है सम कंज्यूमर। और नाइजर एक एंजाइम है की प्रोसेसिंग के दौरान जो है वो ऐड की जाते हैं ताकि डाइटरी यूज नाइजर एक एंजाइम में ऐड किया जाता है ताकि जो है वो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस और गैस जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। और इन सब चीज़ों के बाद जो बात आती है वो है सेफ्टी की। और सेफ्टी जो है वो मेन कंसर्न होता है कि हैजर्डस और बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके। इसके लिए इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर किया जा सके। सेफ्टी के लिए फोर चीज़ें बेसिक होती हैं। क्लीन सेपरेट कुक चीज, ठीक है, क्लीन किया जाए कोई भी फूड है उसको पहले सेपरेट किया जाए रॉ को कुक से, कुक किया जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और चिल किया जाए उसको प्रॉपर प्लेस करके प्रोटेक्ट करके। नेक्स्ट रेफ्रिजरेट करने के क्या प्रोसीजर है। जो कम हैजर्डस चीज़ें होती हैं जैसे कि रेडी टू कुक फूड होते हैं या जो स्टोर फूड होते हैं उनको सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो हाई रिस्क फूड होते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल फूड है उनको मीडियम शेल्फ में, जिनमें हमारे पास रो चीज़ें आती हैं फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह, और जो सबसे नीचे आती हैं उनमें हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो रॉ कुक और सॉरी रॉ मीट है, ठीक है। क्योंकि ड्रिपिंग होती है समथिंग ब्लड की या इन चीज़ों की, तो जो स्टोरेज होती है वो हमारे यहाँ जो फ्रीजर होता है उसके जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे स्टोर करना चाहिए ताकि जो ऊपर वाली शेल्फ है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारी फ्रिज का होना चाहिए वो 0 to 5 अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 4 से कम नहीं होना चाहिए और सॉरी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फ्रीजर का टेम्परेचर मोस्टली -18 में होता है, 0 से -18 में।